एबीपी न्यूज के साथ है राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जोधपुर में। देखिए वन पर्यावरण मंत्रालय जो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है, निश्चित रूप से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मंत्रालय मुझे दिया गया जिसके माध्यम से मैं वन्य जीवों की सुरक्षा और वन क्षेत्र का विस्तार, साथ ही साथ राजस्थान में पर्यटन को लेकर बहुत बड़ी संभावना है और ये दोनों विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान को पर्यटन के दृष्टिकोण से भी विश्व के मानचित्र पर स्थापित करेंगे। और क्योंकि पर्यावरण डिपार्टमेंट मेरे पास है तो जितने भी हमारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनकी समस्या है पॉल्यूशन को लेकर के, कड़े नियम हैं। आज मैं हमारे विशेष रूप से जोधपुर पाली बल्होत्रा के हमारे प्रमुख उद्योगपतियों से सीधा संवाद भी किया है, मेरे साथ हमारे ACS माननीय शिखर अग्रवाल जी भी साथ थे और उन्होंने बहुत सारी समस्याएं भी बताई हैं, बहुत सारी समस्याओं का हमने वहीं बैठक के दौरान ही समाधान भी किया है। और प्रयास ये रहे कहेगा कि पर्यावरण को शुद्ध भी रखेंगे और उद्योगपतियों के हितों की रक्षा भी करेंगे, और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है सबका साथ सबका विकास और जिसके जिनके मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग काम कर रहे हैं, आने वाले समय में इसी विभाग के माध्यम से जहाँ एक और वन्य जीवों की सुरक्षा, वन क्षेत्र का विस्तार, पर्यावरण की अच्छा रहे, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करें और उद्योगपतियों के हितों की भी रक्षा की जाएगी। सर उद्योगपतियों की रक्षा की जाएगी, जैसे वन्य जीव की बात करें तो टाइगर को लेकर काफ़ी राजस्थान बहुत संवेदनशील माना जाता है, कई जगह उनकी डेथ हो रही है, इसको कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं टाइगर रिजर्व सरिस का क्षेत्र से, मेरे ज़िले का ही है और नज़दीकी मेरा रणथंभौर है, आने वाले समय में हम अन्य राज्यों से विशेष रूप से महाराष्ट्र से और उत्तराखंड से टाइगर ला रहे हैं, लगभग 10 की संख्या उसमें होगी, बाघ और बाघिन आएंगे। साथ ही साथ जो हमारा कुंभलगढ़ है वो नया टाइगर रिजर्व बनाने के लिए हमने प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में वो सौगात भी हम राजस्थान की जनता को देने वाले हैं। और जिन क्षेत्रों में टाइगर की कमी है जैसे बूंदी है, धौलपुर है, वहाँ भी हम टाइगर भेजेंगे। और टाइगर की सुरक्षा की आपने जो बात करी है, मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने अपने रिजर्व टाइगर रिजर्व में अभयारण्य में कैमरे लगाए हैं, और वो मैं अभी अरण्य भवन गया था और वहाँ मैंने पूरा सिस्टम देखा भी और समझा। हम जयपुर से ही हमारे अधिकारी प्रत्येक जंगल की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और मुस्तैदी से हमारा विभाग के वनपाल वन रक्षक ट्रैकर के रूप में उस टाइगर के पीछे भी चलते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वन विभाग के अधिकारियों और हमारे जो कर्मचारी हैं उनके सबके सहयोग से और विशेष रूप से जो अभयारण्य है या रिजर्व है उसमें आसपास रहने वाले हमारे जो ग्रामवासी हैं उनके सहयोग से हम जहाँ एक और वन की रक्षा भी करेंगे और वन्य जीवों की रक्षा भी करेंगे। सर वन की रक्षा की बात करें तो वन की रक्षा कैसे होगी कि हर जगह अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है लगातार, ऐसी कोई जगह नहीं? आज मैं जोधपुर आया हूँ तो इस समस्या के विषय में मुझे संज्ञान में लाया गया है और उसमें ये भी बताया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा भी समय समय पर उस अतिक्रमण को लेकर के निर्देशन भी दिए गए हैं, तो मैं इस विषय को अधिकारियों के साथ चर्चा भी करूंगा और जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। सर आने वाले समय में माना जा सकता है कि इस तरह की जो कार्रवाई हो सकती है अतिक्रमण करके बैठे हैं जो कई जलाशय पे कई वन क्षेत्र में? पहली बात तो वन्य क्षेत्र में अतिक्रमण होना नहीं चाहिए और अगर कोई होता है तो उस अधिकारी की जिम्मेवारी तय होगी जिसका वो एरिया है, और अवैध खनन नहीं होना चाहिए, अवैध कटाई नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जिस भी अधिकारी के क्षेत्र में इस प्रकार की घटना पाई जाएंगी उस अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।